नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में घंटी को जरूर दबा देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज़रूरी है कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो या मिस करते हो तो बहुत पछताओगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आज इसमें मैं आपको बताऊँगा हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग और फौज के बारे में कि क्या डिफरेंस होता है, कितना कुछ हमें जो है प्रॉब्लम आती है जब हम एक टेस्ट देते हैं ड्राइविंग, और कैसे हम इसमें भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है रियल लाइफ में देखा है एक बार और किया भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग है या कोई सी भी रोडवेज ट्रेनिंग हो, तो उसमें होता क्या है। अक्सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसमें जो है आपसे एल बनवाते हैं या फिर एट बनवाते हैं, उल्टा व सीधा। देखिए, जो न्यू फ्रेशर बंदे हैं, जो न्यू फ्रेशर ड्राइवर जाते हैं, उनको सीधा चलाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो उल्टा एल या आठ कहाँ से बनाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा इस बात पे गौर करिए और समझिए कि मान लीजिए कोई भी है या मैं हूँ, जो मुझे हवाई जहाज़ चलाना नहीं आता है, तो मैं उसको कैसे उड़ा लूँगा या फिर उस पर कैसे पूरा जो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसमें। तो सबसे पहली बात तो यह है, ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि वो ट्रेनिंग दी जाती है, कोई आपसे जो है एक प्रूफ नहीं लिया जाता कि हाँ आपको ये काम आता है या नहीं आता है। बस शुरुआत के दिन आपको जो है थोड़ा बहुत वे उस काम को करवा के देखते हैं कि आपको कितना वो काम आता है या नहीं आता है, फिर उसके बाद अपने हिसाब से वो है आपसे फुल ट्रेनिंग लेते हैं एक महीने के बाद। फिर आपका और एल या आठ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, जब आप कहते हो उनसे कि हमें ये काम करने के लिए कहिए, हमसे थोड़ा सा काम करवाइए, या फिर हम भी इसमें जो है पूर्णतः निर्भर हो जाएं, या हमें बनाना आता है या नहीं आता है, तब वो बनवा के देखते हैं। उससे पहले वो कुछ नहीं करवाते, और वो भी पहले खुद जो चालक होता है वो बनाता है, फिर जो है बारी बारी बच्चों से बनवाता है। क्योंकि मैंने दिया हुआ है ट्रेनिंग और ज़्यादा दिन नहीं हुए, दो चार महीने के अंदर मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ था, इतने बिना लाइसेंस के जो है गाड़ी चलती थी, और वो भी लाइसेंस था लेकिन लाइट लाइसेंस था, हैवी लाइसेंस नहीं था। तो हैवी लाइसेंस मैंने जो है अभी बनवाया। तो हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग की बात तो ये रही, और अब आपने बहुत सी ये वीडियो देखेंगी होंगी जो है ITBP या फौज BSF, मतलब कि जो भी फौज में जो भी टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, कोई भी न्यू ड्राइवर भर्ती के लिए जाता है तो उसमें एक टेस्ट ज़रूर लेते हैं। चाहे आपने कितना ही गाड़ी चलाया हो या नहीं चलाया हो, आपने फुल टेस्ट दे दिए हो, जो भी लिखित परीक्षा हो, लेकिन उसके बाद जो है ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं जो भी उनका रूल रेगुलेशन होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी जो बंदा है या कोई भी बाहर से आया, इतनी मेहनत करने के बाद उसने लिखित परीक्षा की है, फॉर्म भरा है, इतना पैसा उसने खर्च किया है, और तब जाके वो जो है बाहर निकल जाए, तो उनका जो एक अलग से ईंटों का गोलधारा बनाया हुआ होता है। क्योंकि मैं एक बार टेस्ट दे के आया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ होती है जो वीडियो में उन्होंने दिखाया है, वही एज इट इज़ होता है, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं होता है। तो ईंटों का जो है एक आठ का बनाया हुआ होता है, एल भी बनाया हुआ होता है, लेकिन जब वो टेस्ट लेते हैं तो आपको जो है बिल्कुल आराम से सिखाया जाता है, और जैसा आपके मन में कुछ कहीं पर भी आज अगर आप नए जाते हो तो आपके मन में झिझक होती है, भाई ये काम कैसे होगा, तो वो आपकी झिझक को दूर करने के लिए आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं और बताते हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये गाड़ी है, जिस गाड़ी को आप चलाते हैं उसके नीचे जो है आपका टायर होता है, तो उस टायर के हिसाब से आपको ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं जो वहाँ पे ईंटें बिछाई होती हैं गोल धारे पे, कि उन पे गाड़ी ना चढ़ जाए। तो देखिए, ऐसा अक्सर यहीं पे गलती होती है, क्योंकि उस ईंट को बचाने के चक्कर में आप जो है कंडक्टर साइड, उस साइड को दबा देते हैं और आप फेल हो जाते हैं। तो जितना हो सके उस साइड को दबा के रखिए, गाड़ी नहीं चढ़ती है जल्दी से, क्योंकि आपके मन में डर रहेगा और एक फुट दूरी हमेशा रहती है उससे, तो जितना हो सके अपनी साइड दबाकर गाड़ी को रखें, अगर आप गाड़ी को घुमा रहे हैं तो। और जब गाड़ी को आप ड्राइवर साइड घुमा रहे हो तो कंडक्टर साइड फुल गाड़ी को दबा के रहिए, कुछ नहीं होता है, घबराना बिल्कुल नहीं है।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो हर चीज़ को जो है प्रॉपरली तरीके से बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई फेल हो। वो इतना अच्छा तरीके से समझाते हैं, आप कहीं भी भर्ती देने गए होंगे तो उसमें क्या है, आपको पहले एक घंटे बैठाएंगे, फिर उसका जो भी रूल होता है, फ़ौज के जो रूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, रूल के हिसाब से ही फ़ौज चलती है, वरना कोई इनको नहीं समझेगा। तो रूल बहुत तगड़े होते हैं इनके, और उसी हिसाब से जो है काम करवाते हैं, बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो अगर भर्ती होना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पुराना होना पड़ेगा, और जो रूल रेगुलेशन है वो तो है ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमको भी वीडियो बनाते बनाते। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।